बैक टू माई यूट्यूब चैनल और आज हम इस ब्लॉग में करने वाले ए टू जेड सेंटेंस मेकिंग चैलेंज। देखते कौन जीतता है। जिस न्यादी वो ए से स्टार्ट करेंगी स्टोरी बनाना। ओके। अरे यार आज मैं बोर हो रही हूँ, किसी के पास कुछ इंटरेस्टिंग बात हो तो बताओ ना। अरे ये फंस गया सी है। बातें तो बहुत सारी है, तुलसी बताएगी। चलो तो फिर करते हैं स्टार्ट। देखो आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मेरे जो स्कूल में एक टीचर है इंग्लिश के, जिन्होंने आज हमसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन किया, बट मेरी किस्मत बेकार थी जो वो उन्होंने मेरे को खड़ा नहीं किया। बाकी के राधिका बताएगी। एक बात मुझे भी बतानी है। बताओ ना बेबी। फिर पता है क्या हुआ, मैं रास्ते में जा रही थी, फिर रास्ते में जाते जाते ना मुझे एक इतना बड़ा सा डॉग दिखा। आई वॉज लाइक कैसा डॉग है। फिर देखा तो गाइस वो डॉग नहीं था, वो पता है क्या था, सीआर था। थियो गाइस गाइस आप जानते हो सीआर क्या होता है। यहाँ तो बहुत सारे घूमते रहते हैं और रातों में भी आते हैं। कमेंट में बताना जिसको पता हो। गरीब के गरीब ही रहोगे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। सिरकता होता है, सिरकता। गाइस ये तो बिल्कुल कवाल लड़की है। गजब बेइज्जती है। इनको देखो, इनको तो जैसे कि सब आता ही ऐसे बात करती है। कल भी मेरे साथ कुछ ऐसे सीन हुआ था। एक ब्लू कलर का, मुझे लगा कि नॉर्मल घोड़ा टाइप है, लेकिन वो घोड़ा नहीं था गाइस, वो नील गाय थी। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर लगता है तुम्हारी कुछ ज्यादा ही है। नहीं मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, जो भी आता है तुम चारों को ही आता है, मैं तो पागल हूँ। नहीं नहीं ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, पर यार ये क्या कर रहे हैं। छोड़ ना, मैं एक स्टोरी बता देती हूँ आपको, कोई इंटरेस्टिंग सी। बचपन में ना गाइस मैं आपको इन दोनों की एक सीक्रेट बताऊँ। बचपन में ना स्नेहा दीदी ने तुलसी दी को बहुत ज्यादा मारा है, अत्याचार किए हैं इस छोटी सी मासूम सी लड़की पे, और उस चीज का मुझे आज तक गिल्ट है। और अपराधी का ओ मेरे को तो किसी ने मारा ही नहीं, इतना प्यारा सा बच्चा है मेरा, इसको कोई क्यों ही मारेगा। गाइस आप कमेंट करके बताओ कि आप इतने प्यारे बच्चे को मार सकते हो। क्वीन लगती है एकदम। राइट, इसने मुझे बहुत मारा यार, मैं इतना रोती थी। पता है मम्मी ना शाम को ना घूमने चली जाती थी बाहर, तो ये ना मेरे को पीछे से मारती थी। गाइस मैं जब बच्ची थी मुझे भी नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, और आज तक मुझे इस चीज़ का गिल्ट है और रहेगा भी शायद। सच में यार मुझे तो जब भी इन लोगों की बच्चों की मतलब ये जब बचपनों की इनकी कहानियां किससे सुनती हूँ ना, इतनी हंसी आती है। बाय गॉड इतनी ज्यादा, क्या ही बताऊँ बस मैं आप लोगों को। टाइगर बन जाती थी स्नेहा दीदी उस टाइम पर। बातों को भूलो भी, उनको कब तक याद रखोगे तुम। मैं उन बातों को भूल चुकी हूँ और आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। गाइस कमेंट करके बताना क्या मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती। वैसे पुरानी यादें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं कुछ गंदी भी होती हैं, पर बचपन की यादें तो सारी अच्छी हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। Why don't we talk something interesting? एक्सरसाइज आज किसी ने की थी? यार छोड़ो इन बातों को, जीरो बैलेंस है मेरे अकाउंट में। तुम लोगों को बढ़िया बातों की, पहले मेरा बैलेंस तुम बढ़ाओ तभी तो कोई बातें कैसे बढ़ाए। अब तो गाइस ये था आज का चैलेंज, और जिसमें अनु विनर है, जिसका सबसे अच्छा रेस्पॉन्स था है, और खुशबू लूजर। इसका कुछ भी सेंटेंस समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहती है। तो गाइस ये कहना अनु जो भी खुशबू को पनिशमेंट देना चाहे वो दे सकती है। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं जीती हूं, इसका थोड़ा सा चेयर 5 मिनट के लिए। चलो स्टार्ट खुशबू। खुशबू बनने वाली है अब चेयर। हालांकि मैं कभी अपने स्कूल में चेयर नहीं बनी, आई एम अ गुड गर्ल यू नो। खुशबू चीटिंग कर रही है, ये अच्छे से चेयर नहीं बनी। नो यू विल नॉट गो टेक द फोटो पे ड्रॉ मेरे पे अपना वजन नहीं है। आ जाओ
और अनु कर रही है उस पनिशमेंट को कंटिन्यू। ऐसा विनर कहीं देखा है? ओके गाइज, ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।